1995 में हरे कृष्ण सेवा संघ के नाम से इस संस्था की शुरुआत हमने गंगा सागर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए शुरुआत किया था। आपको ये बताना चाहती हूँ, आज हमारे कैंप का उद्घाटन हुआ है जो ओटरम घाट में अपने हरे कृष्ण सेवा संघ के साथ मिलके हम लोग ये प्रयास करते हैं हर साल। आरती सीता राम चरण की, भरत शत्रुघ्न श्री लक्ष्मण की, कौशल्याद मातु परिजन की, श्री दशरथ के जीवन धन की, जय मुनि मन रंजन जन कर की, करहीं आरती आरती हरि की, आरती राधा कृष्ण चंद्र की, वासुदेव आनंद कंद की, मात यशोदा सहित नंद की, गोधन गोपी गोप बृंद की, लक्ष्मी नारायण हरि हर की, करहीं आरती आरती हरि की, रघुकुल कमल बिखेर दिन। আসছে মকর সংক্রান্তি, এই উপলক্ষে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরে পুণ্যতিথিতে পুণ্য স্নান করে কপিলমুনির মন্দিরে পুজো দিয়ে পুণ্য লাভ করে। এই উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী এই সময় গঙ্গাসাগরে আসে। গঙ্গাসাগরে আসার আগে আউটরাম ঘাটে ট্রানজিট ক্যাম্প, সেখানে সরকারি ব্যবস্থাপনায় সাময়িক বিশ্রাম। সেখানে সরকারি সাহায্যের পাশাপাশি অনেক বেসরকারি সংস্থা আগত পুণ্যার্থীদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম এবং বিখ্যাত একটি সংস্থা হলো হরে কৃষ্ণ সেবা সংঘ এবং লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা অস্তিত্ব। গত 1995 সাল থেকে আউটরাম ঘাটে নানাভাবে সাহায্য করে আসছে গঙ্গাসাগরে আগত পুণ্যার্থীদের জন্য। সকালে প্রাতরাস থেকে শুরু করে দুপুরে সুখাদ্য মধ্যাহ্ন ভোজ, রাতে নৈশ ভোজের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া এখানে সারারাত্রি থাকার জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তারও ব্যবস্থা আছে এবং এখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয় এবং সব পরিষেবাই এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। তাছাড়া সারা বছরই তারা নানাভাবে মানুষের সেবা করে আসছে এই দুটি সংস্থা। হরে কৃষ্ণ সেবা সংঘ এবং লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা অস্তিত্বের 27 নম্বর ক্যাম্পটি প্রতি বছর উদ্বোধন হয় 9ই জানুয়ারি এবং তারা পরিষেবা দেয় 16-17 জানুয়ারি পর্যন্ত। সারা ভারতবর্ষের অগণিত মানুষকে তারা এই পরিষেবা দেয়, এমনকি ভারতের বাইরে থেকেও গঙ্গাসাগরে আগত পুণ্যার্থীরা আসে, তাদেরকেও এই পরিষেবা দিয়ে থাকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, কোনো পয়সা লাগে না এখানে। এছাড়াও তারা সারা বছর ধরে নানাভাবে মানুষের উপকার করে থাকে। এটা খুবই উল্লেখযোগ্য এবং খুবই প্রশংসাযোগ্য। দীপরায় রিপোর্ট, নিউজ আইল্যান্ড 15। देखिए, हरे कृष्णा संघ सेवा संस्थान जो है ये बड़ा अपने आप में मानवता के लिए और समस्त सेवा के लिए और गंगा सागर के महापर्व वाले दिन जो समस्त जो गंगा सागर के अनंत अनुयायी हैं, भक्तजन हैं, उन सब के लिए आश्रय के लिए ये लोग समाज सेवा कर रहे हैं और बड़ा अद्भुत है, बड़ा विलक्षण है, क्योंकि हम अपनों की तो सेवा करते ही हैं लेकिन हम उनकी भी सेवा करें जो जिनको हम जानते नहीं हैं लेकिन उनको अपनापन प्रकट कराएँ। इससे बड़ी सुंदरता दिव्यता क्या हो सकती है? और ये सब एक संघ ही करा सकता है, एक संगठन ही करा सकता है, क्योंकि संगठन में बहुत बड़ी एक ताकत होती है। और बड़े आनंद की बात है, परम सौभाग्य का मेरा विषय है कि मैं तो गंगा सागर के पावन समय पर मैं यहाँ उद्घाटन के लिए आया हूँ और मेरे हृदय से सब बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। 1995 में हरे कृष्ण सेवा संघ के नाम से इस संस्था की शुरुआत हमने गंगा सागर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए शुरुआत किया था। सबसे पहले जब हम लोगों को सरकार द्वारा जगह नहीं मिली तो हम लोगों ने 4 नंबर गेट के पास में फुटपाथ पर कैंप लगा करके लोगों को लिए भोजन की व्यवस्था किए और उनको वहाँ हम लोगों ने खाना बना करके खिलाया फुट पे। वहाँ से हमारी ये शुरुआत हुई। इसके बाद एक छोटी सी जगह हम लोगों को सरकार से मिली और धीरे धीरे आज 30 साल के बाद में ये विशाल रूप आप जो देख रहे हैं
ये लायंस क्लब के सहयोग से और हरे कृष्णा के सहयोग से मिल करके हम लोगों ने इसको विशाल रूप दिया है। और हर साल 9 जनवरी के दिन हम लोग इस कैंप का उद्घाटन करते हैं और कभी 17 कभी 16 जनवरी को कैंप का समापन होता है। और आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए सुबह 6 बजे से यहाँ नाश्ते की व्यवस्था रहती है, 8 बजे तक नाश्ता होता है, इसके बाद 10 बजे से खाना शुरू हो जाता है और जब तक यात्री आते रहते हैं तब तक हम उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं और यात्रियों को रहने के लिए हमारे कैंप में स्थान है, वो आते हैं, रात में रुकते हैं, सोते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, सारी व्यवस्था, यहाँ तक कि दवाइयों कोई भी व्यवस्था अगर किसी को महसूस होती है तो उनके मेडिकल भी सेवा हम प्रोवाइड करते हैं और इसी तरीके से हम जो है अपना सारा काम करते हैं। मैं लॉयंस रेणु परसराम पुरिया, लॉयंस क्लब कोलकाता अस्तित्व की मेंबर अध्यक्ष, और आपको ये बताना चाहती हूँ आज हमारे कैंप का उद्घाटन हुआ है जो ओटरम घाट में अपने हरे कृष्ण सेवा संघ के साथ मिलके हम लोग ये प्रयास करते हैं हर साल। और यहाँ पे निःशुल्क मतलब खाना खिलाया जाता है और हम लोग के यात्री की जितने भी बाहर से यात्री आते हैं उनकी सेवा की जाती है। और यहाँ पे सुबह 5:30 बजे से कैंप लगता है जो देर रात्रि तक चलता है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग मेडिकल कैंप भी कर रहे हैं जो हमारे सब सहयोगी के द्वारा ये सुचारू रूप से संपन्न होगा। रहने की भी यहाँ पे जगह है, सब मुफ्त, कोई पैसा नहीं। खाने के भी यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, मेडिकल जो सर्विस होगा उसका भी कोई चार्जेस नहीं है। ये कितना साल से करता है? ये हमारा 28 साल हो गया, 28 साल से ये हमारा, हाँ ऐसे ही सेवा चल रही है। इतना बहुत हर साल बहुत आदमी का हर साल यहाँ पे अनगिनत आदमी आते हैं और जो इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। और वो जो खाना खिलाना वो सब हमारे जितने भी होम क्लब के मेंबर है, बाहर के मेंबर है, सब आते हैं, हम लोग सब यहाँ सेवा कार्य करते हैं। आपको आदमी आते हैं तो ये इतना आदमी को खिलाना बहुत खर्चा होता है, वो सब ऊपर वाला को देता है। ये पैसा कैसे मिलता है? ये पैसा सबके सहयोग से होता है, वो सब सबके सहयोग राशि से होता है। और हर साल भर क्या करते हैं? साल भर अब हमारे इस जैसे सेवा कार्य चलती है। क्या क्या चलता है? हम लोग एक्टिविटी, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करते हैं लोगों के, जैसे कभी कोई की फीस दे दिए, कहीं पे हम लोग शॉल वितरित करते हैं, कहीं साड़ी करते हैं, आई चेकअप होती है हम लोग का, मेडिकल जितना भी मतलब हेल्थ चेकअप होता है वो सारा करते हैं, ब्लड डोनेशन होता है, सब चलते ही रहता है। हाँ ये सब चलते रहता है, साल भर ऐसे चलते, साल भर पूरा हमारा चलता है, चलती रहता। हाँ खाना खिलाया जाता है, जैसे जितने भी हम लोग का ओल्ड एज होम है हम लोग उसमें खाना खिलाते हैं जाके, चलते रहेगा। लायंस सुरेंद्र परशुराम पुरिया फ्रॉम लायंस क्लब ऑफ कलकत्ता अस्तित्व की तरफ से आप सभी यूट्यूब के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमने हरे कृष्णा सेवा संघ बड़ा बाजार और लायंस क्लब कलकत्ता अस्तित्व के सतत और समृद्ध प्रयासों से इस मेले का आयोजन किया है जिसमें गंगा सागर पिलग्रिम के लिए सारी सेवाओं का आयोजन किया गया है, जैसे हमारे नाश्ता सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक और भोजन सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि प्रभु इच्छा तक चलेगा। और इसमें मेडिकल के लिए भी सारी व्यवस्था की गई है, ठहरने के लिए और विश्राम की भी सारी व्यवस्था पिलग्रिम्स के लिए की गई है। मैं आप सभी यूट्यूब के दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग सभी हमारे इस मेले में महाउत्सव में पधार कर पवन पुण्य के भागीदार। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। इतना आदमी को खिलाने में बहुत पैसा लगता है, कैसे मिलता है ये पैसा? सर देखिए ये एक सामाजिक सेवा है, इसमें समाज के कई बड़े लोग अपनी अपनी श्रद्धा से जितनी समृद्ध हैं उससे उनका योगदान भी रहता है, हमारे क्लब का है, हमारे हरे कृष्णा सेवा संघ का है, हमारे चेयरमैन साहब संतोष सिंह जी हैं, अशोक सिंह जी हैं, इनके अथक और सतत प्रयासों के चलते ही हम इस मेले का आयोजन कर पाते हैं। क्योंकि देखिए ये सच्चाई है कि किसी भी सेवार्थ कार्य में पैसे का भी बहुत ज़्यादा अहम योगदान रहता है, तन और मन का तो रहता ही है, धन का भी रहता ही है, लेकिन समाज के कई लोगों के, आप जैसे सभी दर्शकों के, आप जैसे लोग अतिथियों के सहयोग से हम इस कार्यक्रम का सफल आयोजन करने में सफल हो पाए हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से, चाहे वो छोटे पद पर हों चाहे वो बड़े पद पर हों, सबसे आह्वान करता हूँ
कि आइए हम एकजुट होकर इस सेवा कार्य में रत हों, क्योंकि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। ये तीर्थ गंगा और सागर के मिलन का प्रतीक है, जहां लोग पावन डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बनते हैं, तो उन सब की सेवा कर हम भी पुण्य के भागी बनते हैं।